हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान 2024 बोर्ड के पेपर में आने वाले पूरे किताब के सबसे महत्वपूर्ण और वायरल प्रश्न, वो भी पूरे उत्तर के साथ हम आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे, जो कि आप सभी के यानी जो 7 मार्च को जो आपका सामाजिक विज्ञान क्लास 10 सोशल साइंस का पेपर है, उस पेपर में यानी आने वाले सभी इम्पोर्टेंट और वायरल प्रश्न हम आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है, जो कि आपके पूरे किताब से, यानी अगर आप लोग इतना क्वेश्चन मात्र तैयार कर लिए तो आप सभी का इस बार, ठीक है, सामाजिक विज्ञान में SST में, ठीक है, आपका 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का, ये मेरी 100% गारंटी है, ठीक है। आप सभी को यानी बिल्कुल वायरल क्वेश्चन बता रहे हैं जो आपके पूरे किताब से है, और यहाँ पे पूरे के पूरे उत्तर के साथ आप सभी को बताएंगे, और यहाँ पे, ठीक है, और ये क्वेश्चन आप सभी के यानी 2024 बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी कि आपके सोशल साइंस के पेपर में बिल्कुल छप चुके हैं, ठीक है। और इसमें हम आप सभी को यानी सबसे पहले कि हम आप सभी को यानी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है, जो कि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं, तो पूरे किताब से सबसे वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, ठीक है, MCQ क्वेश्चन, बहुविकल्पी क्वेश्चन, वो आप सभी को बताएंगे सबसे पहले। और उसके बाद आप सभी को महत्वपूर्ण जो लघु उत्तरी प्रश्न है, ठीक है, यानी 4 नंबर वाले जो क्वेश्चन है उसको बताएंगे, ठीक है, और दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन जो कि आपके 6 नंबर वाले आते हैं आपके पेपर में सामाजिक विज्ञान के, तो वो वाले क्वेश्चन जो बिल्कुल वायरल है पूरे किताब से, ठीक है, वो क्वेश्चन। और इसके बाद मानचित्र संबंधित प्रश्न यानी 10 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ आपके मानचित्र संबंधित प्रश्न ही आते हैं, तो वो कौन कौन से मानचित्र के सबसे वायरल क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में कंटिन्यू आते हैं आपके सामाजिक विज्ञान के पेपर में, ठीक है, वो क्वेश्चन हम आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले। और अगर आप लोग मात्र इस वीडियो को, ठीक है, पूरा आप लोग वॉच कर लिए बिना स्किप किए, तो आप सभी का पूरे के पूरे जो है 70 में 70 नंबर सामाजिक विज्ञान में पक्का है, ठीक है। आप लोग 7 मार्च को सामाजिक विज्ञान के पेपर में बिल्कुल आप लोग धुआं धुआं उड़ा करके आओगे, पूरे के पूरे आंसर आप लोग छाप कराओगे, आग लगा कराओगे, ठीक है, बिल्कुल यानी टॉपर बनकर ही आओगे आप लोग अगर तैयारी कर लिए इतने क्वेश्चन का, तब, ठीक है। आपको सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में अगर आप लोग इस बार 95% लाना है आपको, तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग को बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना है, और इस वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए, ठीक है, पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको ये सभी वायरल क्वेश्चन 100% जो है समझ में आएंगे। तो देखिये, सबसे पहले कि हम आप सभी को जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले हम आप सभी को बताएंगे, और इसके बाद हम आप सभी को जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, उसको बताएंगे, और आप सभी को कितना पेज लिखना है, कैसे लिखना है, जिससे आपको पूरे के पूरे अगर 4 नंबर वाले क्वेश्चन है तो पूरे 4 नंबर मिले, ठीक है, अगर वो 6 नंबर वाले क्वेश्चन है तो 6 के 6 पूरे नंबर आपको एग्जामिनर दे, 1 भी नंबर आपका न कटे, यानी टॉपर स्टूडेंट कैसे लिखते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सभी तरीका हम आप सभी को बताएंगे। सबसे पहले कि हम आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देते, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता है कि आपको OMR सीट पे देना है, ठीक है, और जो कि हमने कई बार बता भी चुका है। इसके बाद देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 4 ऑप्शन है, 1688, ठीक है, 1789, और यहाँ पे 1914 1939, ठीक है, तो जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो 1789 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। नेक्स्ट है, जो कि लुई 16वें के शासन काल में हुआ था, किसके, लुई 16वें, ठीक है, ये उस समय के राजा थे। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, काफी वायरल क्वेश्चन है, ठीक है, तो 10 दिसंबर को, 14 नवंबर को, या 5 सितंबर को, या 15 अगस्त को, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यानी जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। और बाल दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में खुद बताइएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है, राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है। आप लोग देखिए सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ हमसे पहले आप सभी लोग, ठीक है, किसको इन सभी क्वेश्चन का आंसर पता था कमेंट में आप लोग बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन का आंसर सही हुए, ठीक है। तो यहाँ पे भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है, तो वो महात्मा गांधी को कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है। नेक्स्ट,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, पहला है जिनेवा, दूसरा न्यूयॉर्क, और तीसरा है द हेग, ठीक है, और चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पांचवा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ऑप्शन है 1885, 1904, 1857, ठीक है, 1855। तो यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था वो 1885 में हुआ था, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है। लिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ? ठीक है, लिखित संविधान जो है भारत में 26 जनवरी को लागू हुआ, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। निम्न में से कौन सी रोपण फसल है? ठीक है, यानी उसको उसकी रोपण की जाती है, ठीक है, यानी उसको जमीन में इस तरीके से रोपण उसका होता है। गेहूं है, चना है, या गन्ना है, या मूंगफली है। ठीक है, तो देखिए गेहूं की रोपण नहीं की जाती है, ठीक है, इसके इस तरीके से यानी इसका बीज ऐसे छीड़ दिया जाता है, ये जम जाता है। चना भी, मूंगफली का भी इस तरीके से बीज, ठीक है, छीड़ दिए जाते हैं कोड़ाई करके खेतों का, ये जम जाते हैं। लेकिन ये गन्ना जो है इसको क्या किया जाता है, पहले खेतों को इस तरीके से जुताया जाता है, ठीक है, उसके बाद इसमें इस तरीके से नाली टाइप के बनाए जाते हैं, और इसके बाद इसमें ऐसे गन्ना जो होता है, ईख जो होता है, ठीक है, उसको इस तरीके से ऐसे दफनाया जाता है और उसके ऊपर से माटी डाला जाता है, ठीक है, तब जाकर के एक यानी कि 10-12 दिन के बाद शायद इसमें से गन्ने निकलते पौधे, उसके बाद उसके गन्ने होते हैं, ठीक है, यानी इस तरीके से उसको किया जाता है। जो किसान लोग होंगे जिनके घर खेती बारी होती होगी उनको इसकी काफी अच्छी नॉलेज होगी। तो इस तरीके से इसमें गन्ना जो है ये रोपड़ फसल है, ठीक है। आठवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संसाधन पुनः चक्री है, यानी ऐसा कौन सा संसाधन है जो फिर से यानी वो चीजें बार बार बनाई जाती है उससे, वो है लोहा, ठीक है। लोहा जो है वो पुनः चक्रीय है, लोहा से आप सभी लोग बहुत सारे चीजों को बना सकते हो, ठीक है, कई प्रकार की। अगर कोई कढ़ाई है उसको गला करके फिर से उसको उससे भगुने बना दो, ठीक है, पलटे कलछुल बना दो, यानी इस तरीके से ये पुनः चक्रीय है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे 9 क्वेश्चन, जो कोरबा है वो प्रसिद्ध है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोरबा जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, कोरबा एक स्थान है, ठीक है, और ये जो है कोरबा में सबसे ज्यादा जो है कोयला होते हैं, यानी ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी राइट है। निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल, ये भी काफी वायरल क्वेश्चन है, तो कपास है, ठीक है, या जूट है, या प्राकृतिक रेशम है, या इनमें से सभी। तो देखिए रेशेदार फसल का मतलब जो रेशादार हो, ठीक है, जिससे यानी कपड़े वस्त्र ये सब बनाए जाते हैं, तो कपास से वस्त्र बनते हैं, जूट से भी बनते हैं, और प्राकृतिक रेशम से भी बनते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इनमें बहुत ही ध्यान से इन सभी क्वेश्चनों को पढ़िएगा, ठीक है, समझिएगा, बहुत ही क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामाजिक विज्ञान के पेपर में आते हैं, ठीक है। पिछले 5 सालों के एक्सपीरियंस के साथ हम आप सभी को बता रहे हैं, बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आप सभी के पेपर में सामाजिक विज्ञान के आते हैं। अगर आप लोग ऐसे टाइप के क्वेश्चन को तैयार कर लिए सिर्फ हमारे चैनल से, तो आपका पूरा का पूरा 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का है, ठीक है। पूरी तैयारी आप सभी को हम कराएंगे, ठीक है, पूरी की पूरी तैयारी, आपका 10 से 15 दिन में पूरी संपूर्ण तैयारी आप सभी को ऑल सब्जेक्ट का हमारे चैनल पे हो जाएगा, जिससे आप सभी लोग कम समय में भी एक कमजोर से कमजोर स्टूडेंट हमारे चैनल से पढ़ करके टॉपर बन सकता है, ठीक है। यानी कमजोर स्टूडेंट भी बोर्ड एग्जाम में 90%, ठीक है, और 95% बहुत ही आसान तरीके से ला सकते हैं। इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक और टिप्स हम आप सभी को, इतने वायरल वायरल क्वेश्चन बताएंगे जो आपके पेपर में बिल्कुल छपे हुए हैं, सिर्फ आपको जाकर के छापना है, ठीक है। इस तरीके से आप सभी को ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताएंगे, इसलिए कह रहे हैं कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए बिल्कुल, और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ठीक है, क्योंकि आपकी एग्जाम बहुत करीब आ चुकी है। अब इतनी जबरदस्त आग लगाने वाली वीडियो आएंगी जिससे आप लोग कम समय में भी बहुत अच्छे नंबर लाओगे। इसके बाद नेक्स्ट, निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है, ठीक है। तो किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है, श्रीलंका, ठीक है, ये हमने कल के वीडियो में भी बताया था, श्रीलंका जो है उसकी स्थिति भारत से थोड़ा बेहतर है। क्यों है, क्योंकि जो श्रीलंका है ये बहुत ही इसका कम क्षेत्रफल है, यहाँ पे जनसंख्या बहुत ही कम है, भारत की अपेक्षा तो बहुत ही कम है, इसलिए श्रीलंका जो है ये भारत के लिहाज से थोड़ा इसकी स्थिति बेहतर है। इसके बाद नेक्स्ट 12 क्वेश्चन, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन सम्मिलित है, ठीक है, यानी कोई भी वस्तु है उसका अधिक से अधिक जो उत्पादन हो रहा है, ठीक है, यानी उसको पैदा किया जा रहा है अधिक से अधिक फसल, जैसे हो गया चावल, गेहूं, ये सब चीजें हो गई प्राकृतिक उत्पादन में, ठीक है, तो वो किससे संबंधित, यानी प्राकृतिक जो है उत्पादन वो किससे सम्मिलित होता है, किस में आता है,
जो प्राकृतिक उत्पादन है यानी जैसे गेहूं, चावल और अनेक प्रकार के साग सब्जियां, ये सब जो चीजें हैं, ठीक है, ये किस क्षेत्र में आएंगे? तो वो प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है, बहुत ही वायरल है। ऐसे आपके 60 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन दोनों आएंगे पेपर में। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, यहाँ पे ब्रुसेल्स में कितने प्रतिशत आबादी फ्रेंच भाषा का प्रयोग करती है? ठीक है, ये कोई एक देश है जहाँ पे फ्रेंच भाषा का उपयोग किया जाता है, ठीक है, यानी कुछ प्रतिशत लोग करते हैं। तो वो 80% यानी 80% सिर्फ फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते हैं, बाकी 20% जो है वो अपने देश की भाषा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? ठीक है, तो वो 22 भाषाओं का समावेश है। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। 15 क्वेश्चन है, देश के पूर्वी और दक्षिणी भाग की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? चावल है, गेहूं है, तिलहन है या बाजरा है? ठीक है, तो कौन सी है इसमें से? वो चावल है, यानी पूर्वी और दक्षिणी भाग में। ठीक है, इसमें क्या हो गया, पूर्वी, ठीक है, पूर्वी और दक्षिणी भाग में क्या होते हैं, सबसे अधिक चावल की खेती होती है। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे 16 क्वेश्चन, शाकाहारी भोजन में कौन सी फसल प्रोटीन का मुख्य स्रोत है? ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि जो प्रोटीन है वो सबसे ज्यादा मांस, मछली, अंडे, ये सब में पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे कोई शाकाहारी वो है, ठीक है, मांसाहारी, उनका तो, उनको तो प्रोटीन मिल ही गया, ठीक है, वो मांस, मछली, अंडा ये सब खा लिए, लेकिन जो शाकाहारी है वो प्रोटीन की मात्रा अगर उनके अंदर कमी है, ठीक है, उनके बॉडी में कमी है प्रोटीन की मात्रा, तो वो अपनी प्रोटीन की मात्रा को कैसे पूरा करेंगे? ठीक है, यानी वो क्या खाएंगे, गेहूं खाएंगे, चावल या तिलहन, ठीक है, या दलहन, ठीक है, किससे उनकी जो प्रोटीन की मात्रा है वो पूर्ण होगी? तो वो दलहन है, यानी जितने भी प्रकार की दाल होती है, ठीक है, जैसे चने का दाल, अरहर का दाल, और होते हैं मूंग के दाल, ठीक है, और मसूर के दाल, यानी कई प्रकार के जो दाल होते हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में दालों में, ठीक है, यानी बहुत ही अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाते हैं। तो जितने भी लोग हैं, ठीक है, जो शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं है, उनको अधिक से अधिक दाल की सेवन करना चाहिए, ठीक है, वो अपने डेली लाइफ में यानी डेली भोजन में दाल का प्रयोग जरूर करें। इसके बाद नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन, वैश्वीकरण अब तक किसके पक्ष में रहा है? तो वैश्वीकरण जो है वो अब तक विकसित देश के पक्ष में रहा। ऑप्शन बी राइट है। पार्वती घाटी किस राज्य में स्थित है? ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 19, जर्मनी का राष्ट्र रूपक क्या है? मरियान है, जर्मेनिया है, आयरन है या भारत माता है? ठीक है, यानी जर्मनी का जो राष्ट्र रूपक है वो क्या है? जर्मेनिया है। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। नेक्स्ट है कृषि एवं वाल्मीकि किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, किस क्षेत्र से संबंधित है? तृतीय, द्वितीय, ठीक है, प्राथमिक या ये तीनों? तो ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है जो होता है। ठीक है, कृषि जो है, हमने बताया आपको, जो प्राकृतिक उत्पादन है वो किससे संबंधित है? वो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, हमने ऊपर आप सभी को क्वेश्चन में बताया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन सी राइट है। ये थे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। अब इसके बाद आते हैं 60 क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कि हम आप सभी को, ठीक है, कितने नंबर वाले, 4 नंबर वाले क्वेश्चन को बताएंगे, और इसके बाद हम आप सभी को 6 नंबर वाले क्वेश्चन को बताएंगे। तो देखिए 4 नंबर वाले जो क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कम से कम 1.5 पेज में लिखना है, तभी आपको पूरे 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, और देखिए आपकी यानी कि उस क्वेश्चन से हिसाब से ही आंसर लिखना है, यानी वो क्वेश्चन जैसा रहेगा उसी हिसाब से आपको आंसर लिखना है। अब ये नहीं कि अगर क्वेश्चन आ गया कि जो भारतीय, ठीक है, यानी भारतीय आंदोलन था, राष्ट्रीय आंदोलन, उसमें भाग लेने वाले 4 नेताओं के नाम लिखिए, तो ये नहीं कि आपको उसको 1.5 पेज में लिखना है। अगर 4 नंबर का है तो सिर्फ 4 नेताओं का सिंपली नाम लिख देना है। ठीक है, तो यानी क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर लिखना है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है इस तरीके से, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन है ये, 4 नंबर वाले क्वेश्चन। ठीक है, वो क्या है कि ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है, और 2 कारण लिखिए, यानी 2 नंबर आपको जनक क्यों कहा जाता है इस पे मिलेगा, और 2 नंबर अगर आप लोग कारण लिखोगे तब मिलेगा। टोटल 4 नंबर के हैं।
अब देखिए उत्तर क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे आप सभी को किस तरीके से लिखना है, बहुत ही सरल शब्दों में हम आपको उत्तर बता रहे हैं, ठीक है। ऑटो ऑन बिस्मार्क जो है वो जर्मन साम्राज्य का, ठीक है, साम्राज्य का क्या था, प्रथम चांसलर था, यानी प्रथम, ठीक है, वो राष्ट्र चलाने वाला था, चांसलर था होने के कारण, ठीक है, होने के साथ साथ वो तत्कालीन यूरोप का प्रभावशाली नेता भी था। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की प्रमुख भूमिका थी, ठीक है। 1870 तक बिस्मार्क ने अपनी रक्त और लोह की नीति से अपने देश की राष्ट्रीय एकता के लिए वो जीत हासिल किया था, ठीक है, इसलिए उसे जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा जाता है, यानी उसका जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था उसमें ऑटो ऑन बिस्मार्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, यानी उसी के कारण वो जर्मनी का एकीकरण सफल हो पाया था, ठीक है। अब जिसके कारण होगा तो उसको जनक कहा ही जाएगा, तो इस तरीके से इसी कारण से ऑटो ऑन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा जाता है। इसके बाद दो कारण क्या थे इसके, अब देखिए, यानी पहला कारण क्या हो जाएगा, ऑटो ऑन बिस्मार्क जो था वो रक्त और लोह की नीति यानी सैन्य शक्ति, ठीक है, अपनी जब युद्ध हुआ था ना तो वो जर्मनी में, तो वो क्या किया था, अपनी सैन्य शक्ति को लेकर, यानी अपनी जो भी फौज है, आर्मी है, उनको लेकर के वो लोह और नीति, ठीक है, रक्त और लोह की नीति, यानी चाहे जितना भी युद्ध हो, ठीक है, चाहे जितने भी लोग मरे, रक्त बहे, लेकिन वो अपनी नीति पर अड़ा रहेगा, तो इसलिए वो रक्त और लोह की नीति पर चल करके, ठीक है, जर्मनी का एकीकरण करने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, इसलिए उसे जर्मनी के एकीकरण का जनक कहते हैं। पहला ये है। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कि बिस्मार्क ने कूटनीति के द्वारा ऑस्ट्रिया को वैश्विक पटल पर एकाकी करके प्रशासन की शक्ति को मजबूत किया था, ठीक है, इस कारण से उसको क्या कहा जाता है, उसको यानी कि उसका जनक कहा जाता है, और यही दो कारण है। तो इस तरीके से आपको देखिए इतना आंसर है, इसको तैयार कर लीजिए, 100% आपके पेपर में बिल्कुल छप चुका है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, चार नंबर वाले क्वेश्चन और क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे ब्रेटन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है और उसके उद्देश्य क्या है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी की, यानी 2023 में भी आया था, 2022 में भी आया था, और 2024 में बिल्कुल छप चुका है, समझिए आप लोग। तो यहाँ पे ब्रेटन वुड्स समझौता, ठीक है, क्या है, उत्तर क्या हो जाएगा, दो विश्व युद्धों के बीच, यानी जो दो विश्व युद्ध हो रहे हैं, ठीक है, उनके बीच अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को निर्धारित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण जो है निर्णय लिए गए, जैसे औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार को बनाए रखना, ठीक है। इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 ईस्वी में अमेरिका स्थित, ठीक है, न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र की मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी, इसे ब्रेटन वुड्स समझौता के रूप में जाना जाता है, इसी को ब्रेटन वुड्स समझौता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये अमेरिका में यानी एक संस्था बना था, उसी को ब्रेटन वुड्स संस्था के नाम पे या स्थान के नाम से जाना जाता है। तो ये था, इसके बाद उद्देश्य इसके क्या थे, उद्देश्य भी पूछा है क्वेश्चन में, तो देखिए यानी इसके लाभ और घाटे से निपटाने के लिए, ठीक है, यानी निपटने के लिए मुद्रा कोष की स्थापना हुआ, यानी मुद्रा कोष जो सिक्के है ना उसका स्थापना हुआ, लाभ और घाटे से निपटने के लिए। सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई, यानी इसी सम्मेलन में ही इसका मुद्रा की स्थापना की गया। दूसरा है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए युद्ध के पश्चात, यानी युद्ध के पश्चात पुनर्निर्माण हेतु धन का इंतजाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंकों का गठन किया गया, यानी देखिए जो बैंक है उसमें लोग पैसा जमा करेंगे, जो भी है नोट है मुद्रा है, ठीक है, उसको जमा करेंगे, इसलिए वो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए बैंक का गठन किया गया, बैंक बनाए गए, ठीक है, इसलिए विश्व बैंक और आई, ठीक है, IMF को ब्रेटन वुड्स संस्थान या ब्रेटन वुड्स ट्विन भी कहा जाता है। इसी आधार पे युद्धोत्तर जो युद्धोत्तर थे वो अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, आर्थिक व्यवस्था को प्राय ब्रेटन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है। तो इस तरीके से आपको पूरा ऐसे ही लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिए आप लोग। तो ये चार नंबर वाले क्वेश्चन थे, इसके बाद देखिए लॉन्ग क्वेश्चन जो थे, छह नंबर वाले क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल वायरल क्वेश्चन क्या है जो आपके पेपर में बिल्कुल छप चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन पहला है, लॉन्ग क्वेश्चन में छह नंबर का क्वेश्चन है ये,
फ्रांस की क्रांति कब हुई, ठीक है, यानी फ्रांस का क्रांति कब हुआ था और इसका मुख्य कारण क्या था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले कि ये फ्रांस की क्रांति जो है वो 1789 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1789 ईस्वी में हुआ था और ये फ्रांस में हुआ था। और जब ये क्रांति हुई थी तो उस समय जो फ्रांस का राजा था यानी वंश था, शासन जो करता था वहां पे, वो लुई 16वां था, ठीक है। ये लुई 16वें के शासन काल में ही वहां की फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस में एक क्रांति हुई जिसके द्वारा वहां पर लुई यानी लुई वंश के शासन का अंत हुआ, ठीक है, जो लुई 16वां था उसके शासन का अंत हो गया क्रांति होने से, ठीक है, इससे पहले था। और वहां पर लोकतंत्र स्थापना की गई, यानी ये था लुई वंश के शासन का अंत हो गया और उसके बाद वहां पे लोकतंत्र की स्थापना कर दी गई। और इस क्रांति के, ठीक है, इस क्रांति के कारण जो है वो मुख्य कारण क्या थे, अब ये देखिए, ये तो था कि कब हुई थी, तो वो 1789 ईस्वी में और लुई 16वें के शासन काल में हुआ था, ये सिर्फ आपको ऐसे लिख देना है यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए यहाँ से अब इसके कारण शुरू होते हैं, ये 6 नंबर वाले हैं तो आपको यानी 3 से 4 कारण लिख देना है। और ये 60 क्वेश्चन और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन आते हैं कि कब हुआ था क्रांति, तो ये आप सभी के यानी आपके सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला कारण क्या था फ्रांस की क्रांति होने में, ठीक है, अयोग्य शासन, यानी जो फ्रांस का जो शासन कर रहा था फ्रांस पे लुई 16वां जो था वो अयोग्य शासन था, ठीक है, यानी कि वो अच्छा शासक नहीं था, उसके पास यानी शासन को चलाने के लिए, राष्ट्र को चलाने के लिए उसके पास अच्छी जानकारी नहीं थी, ठीक है। वो क्या था, देखिए फ्रांस की क्रांति के समय यहाँ पर लुई वंश का शासन था जिसका शासक लुई 16वां था, वह एक अयोग्य और जिद्दी, ठीक है, अदूरदर्शी, यानी वो जिद्दी टाइप का था, अदूरदर्शी था और कर्तव्यहीन था, यानी वो कार्य भी नहीं करता था, जैसे कोई राजा बन गया, ठीक है, या प्रधानमंत्री बन गए, कुछ भी हो गए तो वो काम करेंगे तब तो जनता उनसे प्रसन्न होगी, अगर वो काम नहीं करेंगे तो जनता कैसे उनको दोबारा उठाएगी, ठीक है, नहीं उठाएगी। तो इस तरीके से वो कर्तव्यहीन था वो, ठीक है, अच्छे तरीके से वो राज्य को नहीं चला पाता था क्योंकि उसने शासन में सुधार लाने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं किया और उसकी पत्नी का प्रभाव जो था वो शासन पे अधिक था, यानी जितने भी शासन से उसको पैसे मिलते थे वो अपनी विलासिता के ऊपर खर्च करता था, वो अपने को, ठीक है, यानी अपने ऊपर खर्च करता था, अपने परिवारों के ऊपर खर्च करता था, बाकी वो जनता को बिल्कुल भी नहीं देखता था और जनता को उसके द्वारा किसी भी प्रकार का लाभ भी नहीं मिलता था, ठीक है। वो क्या करता था, जो भी शासन में पैसे होते थे उससे उसकी पत्नी काफी महंगी महंगी चीजों को खाती थी, ठीक है, और काफी अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे। फ्रांस की जनता जो है रोटी रोटी के लिए तरस रही थी लेकिन ये लुई 16वां और उनकी पत्नी, ठीक है, अच्छे अच्छे खाना खाते थे, अच्छे अच्छे चीजों को, महंगी महंगी चीजों को खाते थे, ठीक है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे और अपने ही घर महल बिल्कुल बनवाने में लगे हुए थे। इससे क्या हुआ, जो फ्रांस के जनता थे उनके अंदर विद्रोह का भाव उत्पन्न हो गया और यही विद्रोह का भाव एक क्रांति का कारण बन गया, ठीक है, यानी एक क्रांति का रूप ले लिया, तब जाकर के फ्रांस की क्रांति वहां पे हो गई। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, इस कारण जनता उसके विद्रोह हो गई और फ्रांस की क्रांति घटित हो गया। इसके बाद देखिए दूसरा कारण क्या था जिससे फ्रांस की क्रांति हुई, वो मध्यम वर्ग था, ठीक है। मध्यम वर्ग में कौन लोग आते थे, मध्यम वर्ग में जैसे डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, ठीक है, छोटे उद्योगपति हो गए, अध्यापक हो गए, यानी निम्न पदों पर कार्य करने वाले सभी अधिकारी जो है मध्य वर्ग में आते थे। तो ये जो होते डॉक्टर हो गए, वकील, अध्यापक, ये सबका, ठीक है, कोई भी मान सम्मान नहीं था, कोई भी रिस्पेक्ट नहीं था, इनकी कोई कदर ही नहीं थी उस लुई 16वें के शासन काल में, ठीक है। इन्हें एक निम्न प्रकार की जाति और निम्न प्रकार के लोगों के रूप में, श्रेणी के रूप में इन्हें रखा जाता था और इनको इस तरीके से भी देखा जाता था, ठीक है। तो ये मध्यम वर्ग के लोग थे, यानी यहाँ पर औद्योगिक क्रांति होने के कारण जो मध्यम वर्ग थे उनका उदय हो गया, ठीक है, उनको लोग पहचानने लगे कि हाँ ये अध्यापक है, डॉक्टर है, ये इस पति यानी ये उद्योगपति है, ये इस पद पे तैनात है, ठीक है, उनका उदय होने लगा, जिसमें छोटे उद्योगपति, डॉक्टर, वकील, अध्यापक, निम्न पदों पर कार्य करने वाले अधिकारी आते थे, ठीक है। तो इस तरीके से मध्यम फ्रांस की क्रांति जो है
ये सब लोग भी मिलकर के फ्रांस की क्रांति को घटित किए, ठीक है। फ्रांस की क्रांति में इन सभी लोगों का भी हाथ था, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ये मध्यम वर्ग था। दूसरा, तीसरा क्या है यहाँ पे, आम जनता की दयनीय स्थिति, ये चीजें, ठीक है। आम जनता की दयनीय स्थिति होने के कारण भी फ्रांस की क्रांति घटित हुई। इस समय क्या था, इस समय शासक यानी उच्च वर्ग और कुलीन वर्ग जहां विलासिता पूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था, यानी उच्च वर्ग के लोग जैसे इसमें बड़े उद्योगपति आ गए, ठीक है, और कई राजा आ गए, और कुलीन वर्ग के लोग, ठीक है, यानी जो अच्छे वर्ग के लोग थे, जैसे अब मध्यम वर्ग में आ गए, पादरी वर्ग में ये सब मजदूर किसान आ गए, ठीक है, और ये सब वर्ग में जो है यानी अमीर अमीर लोग आ गए, ठीक है। वो लोग जहां अपनी विलासिता की पूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे, वही जो फ्रांस की आम जनता थी, वो उनकी बहुत ही बड़ी दयनीय दशा हो गई थी, और वो अपनी रोजी रोटी के लिए भी तरस रहे थे, यानी उनको ठीक से रोटी भी शाम को नहीं मिलती थी। इस तरीके से जो जनता थी उनके अंदर विद्रोह का भाव उत्पन्न हो गया, और ये विद्रोह का भाव एक क्रांति बनकर खड़ी हो गई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चौथा कारण क्या है, दार्शनिकों का प्रभाव, यानी फ्रांस में जो है दार्शनिकों का प्रभाव था, जिससे लोग, ठीक है, दूर दूर नहीं जाते थे विचरण करने, और वो अच्छे अच्छे यानी दूसरे दूसरे देशों के विचार और नियम को भी वो नहीं जानते थे कि हाँ दूसरे देशों में कैसे शासन होता है, कैसे राजा, ठीक है, शासन को चलाता है, वहां की जनता को किस तरीके से लाभ मिलता है, ये सब चीजें उनको नहीं पता था। तो इस समय जो दार्शनिकों का वर्ग का उदित हुआ, उसने जनता को प्रशासन की दुर्दशा, न्याय व्यवस्था की कमियों, वो फ्रांसीसी समाज की बुराइयों से अवगत कराया, ठीक है। जब ये क्रांति हुआ तब इस तरीके से दार्शनिक आए, ठीक है, और वो इस तरीके से जनता को समझाए, उनके नियमों को बताए। इसके बाद नेक्स्ट पांचवा, स्वतंत्रता का प्रभाव, यानी कि जब फ्रांस की क्रांति में क्या हुआ था, जब लुई 16वां का शासन काल था, तो उसमें स्वतंत्रता का भी प्रभाव था, यानी कि फ्रांस के जनता के, जो फ्रांस के लोग थे, उनके अंदर इतना तक हिम्मत नहीं था कि वो, यानी जो लुई 16वां के बिना आज्ञा का वो किसी धर्म का भी पूजा कर सके, किसी भगवान का भी पूजा कर सके, ठीक है। उनके लिए इतना स्वतंत्रता नाम की चीज उनको नहीं दी गई थी। तो वही है यहाँ पे कि इस समय फ्रांसीसी सरकार ने लोगों की स्वतंत्रता पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा रखे थे, ठीक है, यानी यहाँ तक कि उनके धार्मिक विश्वासों पर भी प्रतिबंध लगा थे, यानी जिसको वो कह देंगे उसी का सिर्फ पूजा करना है। अतः जनता के असंतोष क्रांति के रूप ले लिया, यानी ये सब चीजें जो है वो फ्रांस की क्रांति में ये सब क्रांति का रूप ले लिया, यही सब कारण है। आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जैसे हमने आपको बताया उसी तरीके से आपको अपने शब्दों में लिखना है, बहुत ही ये सरल तरीका, आप लोग इसी तरीके से पूरा लिखिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त में आप सभी को लिखना, ये भी 6 नंबर का है, और ये काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार आप सभी की एग्जाम में, यानी हर साल आपके पेपर में इससे आना ही आना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, उत्तर क्या हो जाएगा, जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख चरण जो है इस प्रकार है। पहला क्या है यहाँ पे, फ्रेस की आजादी और संगठन बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है, ये हेडिंग है इस तरीके से, पहला हेडिंग यही रहेगा। और जर्मन एकीकरण की मांग के दौरान जो है संविधान, प्रेस आजादी और संगठन बनाने की स्वतंत्रता जैसे सिद्धांतों का विकास हुआ, यानी जब जर्मनी का एकीकरण हुआ तो इस तरीके से एक स्वतंत्रता लोगों को मिला। इसके बाद दूसरा क्या है, संसदीय व्यवस्था स्थापित करना, यानी जब जर्मनी का एकीकरण हुआ तो संसदीय व्यवस्था स्थापित करने की पृष्ठभूमि भी तैयार की जाने लगी थी। तीसरा क्या है, राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना, यानी जब फ्रांस की जब जर्मनी का एकीकरण हुआ तब जो जर्मन के लोग थे, जर्मनी में लोग जो रहते थे, जनता, उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किया गया, ठीक है, यानी राष्ट्र के प्रति उनका कैसा आचरण होना चाहिए, किस तरीके से उनके अपने विचार और व्यवहार रखने चाहिए, ठीक है। वही है यहाँ पे कि जर्मन लोगों में 1848 ईस्वी के पहले ही राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो चुकी थी, ठीक है, यानी इससे पहले भी हो चुकी थी कुछ जनता के अंदर, राष्ट्रीयता की भावना मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में बहुत अधिक थी, मध्यवर्गीय जो लोग थे उसमें सबसे अधिक थी, और बाकी जो वर्ग के लोग थे उसमें मध्यवर्गीय की अपेक्षा थोड़ा कम थी। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, राष्ट्र राज बनाने का प्रयास, 1848 ईस्वी में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद के द्वारा शासित राष्ट्र राज बनाने का प्रयास किया गया था।
नेक्स्ट पांचवा उदारवादी विचारधारा का, ठीक है, उद्योग राष्ट्र निर्माण की इस उदारवादी विचारधारा को राजशाही और फौजी ताकतों के विरुद्ध कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। इसके बाद नेक्स्ट छठवां क्वेश्चन, यानी छठवां क्या है, ठीक है, छठवां है यहाँ पे जमीन के एकीकरण की प्रक्रिया में कि भू स्वामियों को समर्थन, उनका प्रसाद के बड़े भू स्वामियों ने भी समर्थन किया था, यानी जो भू स्वामी थे जिनके पास अधिक से अधिक जमीने थे, खेते थे, ठीक है, यानी कई एकड़ जमीने थे, उनका क्या किया गया, समर्थन किया गया, ठीक है, जब ये जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो सातवां क्या है, प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला और इसके कई नई दिशा को भी प्रदान किया गया। जो राजा था वहां के वो राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला और कई नई नई दिशा भी प्रदान किए गए। नेक्स्ट है प्रसा का प्रधानमंत्री आटवान बिस्मार्क, यानी जो प्रसा था उसका प्रधानमंत्री आटवान बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था, जिसने प्रसा की सेना और नौकरशाही जो थे उनकी मदद ली, उनके मदद के द्वारा जो है जर्मनी के एकीकरण कराने में वो सफल हुआ आटवान बिस्मार्क। नेक्स्ट है नौवां क्वेश्चन, सात वर्ष में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से तीन युद्धों में प्रसा की जीत हुई, यानी जब सात वर्ष में क्या कहां कहां युद्ध किया फ्रांस, ये जो जर्मनी है वो ऑस्ट्रिया को से किया, डेनमार्क से किया और फ्रांस से किया, तीन युद्धों में वो ऐसा युद्ध किया जिससे वो जीत गया, ठीक है, इस तरह जर्मनी के एकीकरण की पूरी प्रक्रिया जो है हुई। नेक्स्ट है यहाँ पे दसवां टॉपिक, 18 जनवरी 1871 ईस्वी में वर्षाय में प्रसा के राजा काइजर विलियम प्रथम, यानी जो इसका इनका पूरा नाम, ठीक है, काइजर विलियम प्रथम है, लेकिन 60 में आपको विलियम प्रथम को जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया, यानी जो विलियम प्रथम है उनको जर्मनी का प्रथम सम्राट कहा जाता है, ठीक है, उनको घोषित किया गया था। तो इस तरीके से ये क्या है, यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तैयार कर लीजिए। और इसके बाद आता है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और हम आप सभी को बता दें कि हम आप सभी को एक ही दिन, ठीक है, पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो भी काफी लंबी हो जाएगी और आपका इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा इसको पढ़ने में, इसलिए आज हम आप सभी को यानी कि इतिहास के पार्ट एक के इम्पोर्टेंट यानी ऑब्जेक्टिव तो पूरी किताब से थे और बाकी ये जो 60 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन ये सिर्फ आपके हिस्ट्री वाले पार्ट से है, ठीक है, और बाकी इसके अगले जो दिन है इसके नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को भूगोल वाले पार्ट के इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चन के वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब आप सभी को यानी हमने बताया था कि मानचित्र संबंधित क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो कौन कौन, इसके बाद देखिए जो मानचित्र संबंधित वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे हम आप सभी को मानचित्र संबंधित 40 ऐसे वायरल क्वेश्चन बता रहे हैं कि अगर आप लोग इस 40 क्वेश्चन को तैयार कर लिए तो एक भी इससे बाहर आपके मानचित्र संबंधित क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आ सकता, ये मेरी 100% गारंटी है, ठीक है। देख सकते हो आप लोग कितने रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कितने बार आ चुका है, 2016, 2014, 2011, 2010, 2009, 2006, ठीक है, 20, यानी सभी में कितने साल, देखिए हर साल आने वाले ये सभी क्वेश्चन हम आप सभी को बता रहे, आप लोग मात्र इतना तैयार कर लीजिए, बहुत ही ध्यान से समझिए। वो स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है, कहाँ पे हुआ था, तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड यानी कि 1919 में अमृतसर में हुआ था, जो कि यानी पंजाब में स्थित है अमृतसर। इसके बाद नेक्स्ट है, और ये कहाँ पे स्थित है मानचित्र में भारत के, ठीक है, तो ये चीजें हमने आप सभी को कई बार बताया हुआ है, आप सभी लोग, ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप लोग, हमने इसको भरने बताया हुआ है, ठीक है, आप लोग वो मानचित्र वाला एक मानचित्र कैसे भरे, ठीक है, हम आपको इस टॉपिक पे वीडियो अभी दो ही दिन हो रहे हैं बताए थे, आप लोग हमारे चैनल पे विजिट करके उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, ठीक है, उसमें हमने बहुत ही अच्छी अच्छी आपको ट्रिक बताया, जिससे आप अगर आप लोग एक बार उस वीडियो पे क्लिक करके देख लिए तो आप लोग मानचित्र भरने का, ठीक है, बिल्कुल आप लोग जादुई ट्रिक को समझ जाओगे और एक भी आपका आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 10 नंबर का ये मानचित्र वाले क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर आपको आंसर लिखने पर और 5 नंबर आपको मानचित्र में सही स्थान पे वो चीजों को लिखने से 5 नंबर मिलेगा, 10 नंबर का है। वो स्थान जहाँ आर्य समाज, ठीक है, एवं प्रार्थना समाज की स्थापना हुआ था, तो वो मुंबई है जहाँ पे स्थापना हुआ था। वो स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून भंग किया था, ठीक है, तो वो डांडी है जो कि गुजरात साइड में है, यानी गुजरात में पड़ता है, वहां पे नमक कानून गांधी जी ने भंग किया था।
चौथा क्वेश्चन है, वो स्थान जहां एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना किया था, ठीक है, तो वो चेन्नई मद्रास में किए थे। इसके बाद वो स्थान जहां चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे, कहां पे ही हुए थे, तो वो इलाहाबाद में हुए थे, ठीक है। वह नगर जहां 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट शाह आलम और अंग्रेजों के बीच संधि हुई थी, ठीक है, यानी युद्ध हुआ था, तो वो था इलाहाबाद। वो स्थान जहां मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थित है, तो अलीगढ़ में, अलीगढ़ में क्या है, मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थित है। वो नगर जहां मोहम्मदन एंग्लो, ठीक है, ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुआ था, तो वो भी अलीगढ़ में ही हुआ था। वो नगर जहां संविधान सभा की बैठकें हुआ करती थी, तो वो संसद में, यानी संसद भवन में हुआ करती थी, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। वो आंदोलन जहां सहयोग आंदोलन का उद्घोष किया गया था, यानी वो आंदोलन जहां सहयोग आंदोलन का उद्घोष किया गया था, तो वो यूपी में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में किया गया था। वो नगर जो ब्रह्म समाज का मुख्य केंद्र रहा है, वो कलकत्ता है, यानी कोलकाता है, ठीक है। वो नगर जहां जनरल ओ डायर ने सैकड़ों भारतीयों को गोली से भून दिया था, तो वो हमने बताया कि अमृतसर ही है, 1919 में वो, ठीक है, आदेश दिया था गोली चलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो स्थान जहां 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ था, ठीक है, तो ये कलकत्ता में हुआ था, ठीक है, कोलकाता में, जो कि राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन, वो नगर जहां गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर में समझौता हुआ था, तो वो पुणे में हुआ था, ठीक है, जो मुंबई में है। वो स्थान जहां 1857 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना हुआ था, तो वो मुंबई है, जहां पे स्थापना हुआ था। वो स्थान जहां भारत के नौ सैनिकों ने वर्ष 1946 में क्रांति हुआ था, ठीक है, किए थे, वो मुंबई है। वो स्थान जहां सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई है, तो वो वाराणसी में की गई है, ठीक है। इसके बाद वो नगर जहां 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी, तो वो कोलकाता है, ठीक है, यानी कि कोलकाता में 1817 ईस्वी में किया गया था हिंदू कॉलेज की स्थापना, तो यहाँ पे कोलकाता में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है वो स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था, तो वो कहाँ पे हुआ था, बिहार, ठीक है, बिहार के चंपारण स्थान पे हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट है वो स्थान जहां थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुआ था, तो वो चेन्नई में हुआ था, चेन्नई मद्रास में, ठीक है। वो नगर जहां मदन मोहन मालवीय ने विश्वविद्यालय स्थापित किया था, तो ये वाराणसी में किया था, बनारस में। वो स्थान जहां तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना किया था, तो वो पुणे में किए थे। वो स्थान जहां किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, तो वो गुजरात के खेड़ा नामक स्थान पर हुआ था। उत्तराखंड का वो नगर जहां कुंभ का मेला लगता है, ठीक है, तो उत्तराखंड में हरिद्वार है, जहां पे कुंभ का मेला लगता है। वो नगर जहां पुर्तगाल के अल्बू, ठीक है, कर्क ने 1503 ईस्वी में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था, कोची में। वो नगर जहां स्वामी विवेकानंद ने जन्म लिया था, तो स्वामी विवेकानंद का जन्म कहां हुआ था, कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में। वो स्थान जहां भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी स्थापित हुआ था, वो अडयार में हुआ था। वो नगर जहां गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है, सर्वेंटस ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, पुणे में। वो स्थान जहां काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित है, वाराणसी में है। वो नगर जहां हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा चलाया गया था, दिल्ली है। वो नगर जहां रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुआ था, कोलकाता में हुआ था। वो नगर जहां क्रांतिकारी सचिंद्र, ठीक है, सन्याल ने क्या किया था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया था, कानपुर में। और ये जितने मानचित्र संबंधित क्वेश्चन है, ये आपके सिर्फ हिस्ट्री से है, ठीक है, और इसके बाद हम भूगोल पार्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और भूगोल पार्ट के इम्पोर्टेंट मानचित्र संबंधित क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन, वो स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था, तो ये अहमदाबाद में हुआ था, और ये अहमदाबाद कहाँ पे है, गुजरात के साइड में है। वो स्थान जहां महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था, तो वो गुजरात के, यानी ये अहमदाबाद के, ठीक है, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से किया था। वो स्थान जहां असहयोग आंदोलन कार्यक्रम को स्वीकार किया गया, तो वो कोलकाता में किया गया। वो स्थान जिसकी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था, तो वो चौरी चौरा कांड था, ठीक है, जो कि गोरखपुर में हुआ था। इसमें
चोरी चोरा घटना में क्या हुआ था कि थानेदार सहित 12 लोग जिंदा जलकर के जेल में मर गए थे, ठीक है, उसे चोरी चोरा कांड कहते हैं। और इसी के कारण जो महात्मा गांधी थे वो असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे, ठीक है। तो इस तरीके स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, ठीक है, तो वो है मुंबई। मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, ठीक है। और ये चीजें हम आपको मानचित्र कैसे भरे, ठीक है, ये हम बता चुके हैं। आप लोग अगर नहीं देखे हो तो हमारे चैनल पे विजिट करके मानचित्र को भरने का हम बहुत ही अच्छा ट्रिक बताए आप लोग, ठीक है, बिना याद किए आप लोग उसको समझ सकते हो। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि जो मुंबई है वो कहाँ पे है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, वो स्थान जहाँ कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, ठीक है, कहाँ पे हुआ था, तो वो मुंबई में ही हुआ था। वो नगर जहाँ कांग्रेस ने वर्ष 1942 में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया था, तो वो मुंबई में ही किया था, ठीक है। इसके बाद वो स्थान जहाँ कांग्रेस का 1892 ईस्वी में अधिवेशन हुआ था, ठीक है, तो वो इलाहाबाद में हुआ था। वो स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1907 में विभाजन हुआ था। देखिए ये कांग्रेस वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्या है कि आपको लगेगा कि सभी टाइप के एक ही क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आता है मानचित्र में जो सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूज करे, ठीक है, तो वो सूरत में हुआ था। नेक्स्ट स्थान जहाँ कांग्रेस मुस्लिम लीग का वर्ष 1916 में समझौता हुआ था, ठीक है, तो वो लखनऊ में हुआ था। वो स्थान जहाँ होम रूल लीग का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो लखनऊ में हुआ था, ठीक है। वो स्थान जहां पर वर्ष 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो वो कानपुर में हुआ था। वो स्थान जहां वर्ष 1912 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो वो बांकीपुर, ठीक है, पटना में हुआ था। वो स्थान जहां वर्ष 1946 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो वो मेरठ में हुआ था। वो नगर जहां वर्ष 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो वाराणसी बनारस में हुआ था। यानी सबसे ज्यादा कंफ्यूज क्वेश्चन करने वाले ये कांग्रेस वाला है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कहीं कहीं आपके पूरे मानचित्र यानी 10 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हो सकता है। इसलिए आपका यानी ये अगर क्वेश्चन इतना आंसर तैयार कर लिए तो ये कांग्रेस वाला कंफ्यूजन आपसे बिल्कुल दूर हो जाएगा। वह नगर जहां वर्ष 1920 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ, ठीक है, तो वो कोलकाता है, यानी कलकत्ता उसे कहते हैं। वो स्थान जहां वर्ष 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो वो लाहौर में हुआ था, ठीक है, लाहौर जो है जो कि पाकिस्तान में है, तो वहां पे हुआ था। वो स्थान जहां वर्ष 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो वो मद्रास में हुआ था, यानी चेन्नई में। वो स्थान जहां वर्ष 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो वो कोलकाता में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन तरीके से ये टोटल कितने हैं, यानी हम आपको टोटल आपको 40 क्वेश्चन हम आपको बता दिए मानचित्र के जो बिल्कुल वायरल है, और इतना तैयार कर लिया आप लोग तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो इस तरीके से आप लोग इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए और ऐसे ही आपको, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की वीडियो मिलेंगे। और आप लोग अगर पूरे पार्ट को तैयार कर लेते हो तो आपका पूरा का पूरा 70 में 70 नंबर पक्का है। और इसी तरीके से क्लास 10th के और सब्जेक्ट की बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसकी वीडियो बहुत जल्दी आएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए आप लोग, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर हो, आपकी तैयारी नहीं हो पाई है, तो हमारे चैनल पे क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट में पास होने की भी ट्रिक है। आप लोग इसी वीडियो के लास्ट में, ठीक है, आप सभी को प्लेलिस्ट मिल जाएगा 4, उसी पर क्लिक करके आप लोग देख लीजिएगा। 100% गारंटी है वो आपके, आप लोग अगर उस ट्रिक का यूज करोगे तो बोर्ड एग्जाम में पास ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे नंबर लाओगे, ठीक है। और बाकी आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है इन सभी ट्रिक पर वीडियो बन चुका है। चैनल पे विजिट करके आप लोग जल्दी से देख लीजिए, ठीक है, उन सभी वीडियो को। और आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट जरूर कीजिए, और इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। और इस वीडियो में हमने काफी मेहनत से आपको ये चीजें बताया, ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो पे यानी 1000 लाइक अपना जरूर कीजिए। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, और इस वीडियो को प्लीज आप लोग अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।